हेलो बच्चों, आज हम करने चाह रहे हैं पोयम डोवर बीच। ये लिखी है मैथ्यू एर्नॉल्ड ने, तो चलो देखते हैं क्या है इस पोयम में। द सी इज़ काम टू नाइट, जो आज रात का समुद्र है वो बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है। द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज़ फेयर, जो टाइड है वो आज की फुल है और जो मून है वो साफ साफ दिख रहा है। ऑन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट, स्ट्रीट्स होता है एक पार्ट होता है ओशन का, जहाँ पे जो सी है हमें लैंड से ऐसे देखते हैं जैसे सी भी पूरी लैंड की तरह आगे जा ही जा रहा है, कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा। ग्लीम्स एंड इज़ गॉन, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। ग्लीम्स होता है शाइनिंग, जो शाइन होती है वो जो है बिल्कुल जा रही है। द क्लिफ्स इन इंग्लैंड स्टैंड, जो रॉकी हिल्स हैं इंग्लैंड स्टैंड की। ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे, वो ग्लिमरिंग कर रही हैं और बहुत दूर तक फैली हुई हैं। ट्रैंक्विल बे मतलब कि काम है, सारा बे शांत है पूरा। कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द नाइट एयर, विंडो पे आओ देखो जो हवा है वो कितनी अच्छी है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे यहाँ पे रेफर हो रहा है जो पानी बार बार ऊपर आता है फिर नीचे जाता है सी पे। अगर आप कभी सी पे गए हो आपने देखा होगा जो उसके ऊपर वेव्स होती हैं वो ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, तो उसे बोल रहे लॉन्ग लाइन्स ऑफ स्प्रे। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, जहाँ पे जो सी है वो मून को मिल रहा है। जब आपने देखा होगा कि आप लैंड पे खड़े हो तो जब सी जो है इतनी दूर तक जाता है ऐसे लगता है कहीं पे एंड नहीं हो रहा, और वो और मून जो है वो आपस में मिल रहे हैं। मतलब अगर आपने नहीं देखा तो मैं ट्राई करूँगी इसमें फ़ोटो डालने की, तो आप देखना। लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रोड, क्या तुम्हें वो आवाज़ सुन रही है। ऑफ पेबल्स विच इज़ द वीव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, जो पत्थर हैं जो वीव्स के साथ ऐसे बाहर को आके बचते हैं और फिर से दोबारा वीव्स के साथ ही अंदर चल जाते हैं सीखे, क्या तुम्हें उनकी आवाज़ सुन रही है। एट द रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड, और जैसे वो आते हैं जैसे एक बड़ी सी वेव आती है उनके साथ आते हैं। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, तो पहले वो आते हैं एक बड़ी शोर पे फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं फिर उसके बाद दोबारा आते हैं, मतलब वही रिपीट पे रिपीट चलता है। इसके मैं वीडियो डालूँगी बीच में। विथ ट्रेमुलस सैड एंड स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, जो मतलब कि वेव्स हैं वो ट्रेम्पलिंग आती हैं एक हिसाब के म्यूजिकल साउंड की तरह आती हैं और इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन कर देती हैं, एवर लास्टिंग सैडनेस। सोफोकल्स लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द ईगन, जो सोफोकल्स है वो एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट है जो कि 5th सेंचुरी का है। उसने ईगन, ईगन मतलब है मेडिटेरेनियन सी, उसने मेडिटेरेनियन सी पे एक बारी सुना था एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड ऐब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिस्ट्री। उसने टर्बिड मतलब होता है डर्टी, ऐब एंड फ्लो होता है वेव्स का आना और जाना। उसने उसके दिमाग में एक ख्याल लाया ह्यूमन मिस्ट्री का। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाई डिस्टेंट नर्दर्न सी, उसका मतलब है कि जो नर्दर्न सी है वो यहाँ से काफ़ी दूर है पर फिर भी हम उसके साउंड सुन रही है, साउंड ऑफ क्या, थॉट। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस ट्रू एट द फुल द राउंड अर्थ शोर, जो यहाँ पे सी है उस इन्होंने सिंबल क्या बताया गया है फेथ का। तो लगे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो सी है वो क्या सिम्बलाइज कर रहा है, जो सी है वो फेथ को सिंबल कर रहा है। अब उन्होंने बोला है जो सी है फेथ का वो भी एक बारी पूरा होता था, क्योंकि पूरा जो था राउंड था अर्थ के शोर के साथ। ले लाइक फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फर्ल्ड, बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलेंचरी लॉन्ग वाइडनिंग रोर। उसने बोला कि पहले जो थी ये काफ़ी अच्छी लगती थी, ब्राइट थी, वो काफ़ी दिल को शांति देती, पर अब मैं जब इसे देखता हूँ ना तो बस ये अंदर मेरे अंदर दुख बढ़ती है, और मतलब कि इतना ज़्यादा दुख की जो ख़त्म ही नहीं होता। रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एचिस ड्रेयर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब उसने बोला है जो यहाँ की रिटर्निंग, रिट्रीटिंग मतलब रिटर्निंग टू द ब्रेथ, जो मेरे को यहाँ से सांस आ रही है, ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एचिस ड्रेयर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। शिंगल्स मतलब पेबल्स, ये मतलब है कि जो शिंगल्स यहाँ पे उन्होंने इसलिए बताया है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हार्श रियलिटी, मतलब कि जितना देखने में सूदिंग है इसने उस पोएम को उतना ही दुख से कंपेयर किया है। मतलब कि वो यहाँ पे शिंगल्स का मतलब है उसका हार्श रियलिटी विच हैज़ लेफ्ट मैनकाइंड शेकन। आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, चलो हम एक दूसरे के साथ सच्चे होते हैं। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स,
इस दुनिया के आगे, जो कि बस लगती है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, इतने सारे, इतने सुंदर और ये सारे नए। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। ना यहाँ पे कोई खुशी है, ना कोई प्यार है, और ना यहाँ पे कोई लाइट है। नॉर सर्टिट्यूड, नॉर पीस, नॉर हेल्प फॉर पेन। ना यहाँ पे कोई श्योरिटी है, सर्टिट्यूड मतलब होता है श्योरिटी। ना यहाँ पे पीस है, शांति है, ना यहाँ पे कोई हेल्प मिलती है पेन के लिए। एंड वी आर हेयर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन। यहाँ पे हम खड़े हैं अंधेरे में, इस जगह के ऊपर, स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। यहाँ पे हम खड़े हैं अंधेरी लैंड पे, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, कन्फ्यूज है। हमें पता लग रहा है हम बस स्ट्रगल कर रहे हैं और फ्लाइट कर रहे हैं, फ्लाइट मतलब मूवमेंट्स। वी आर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, जहाँ पे कि आर्मीज जो है आपस में लड़ रही हैं। बट प्लीज़ एक मिनट लेके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो अगर आपको समझ आई हो तो। थैंक यू। मैं आपको थोड़े बस वैसे थोड़े की पॉइंट्स बता रही हूँ। यहाँ पे डोवर बीच का एक इंग्लिश चैनल है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमारा एब एंड फ्लो था, उसका मतलब था कमिंग एंड गोइंग। और ये जो पोएम है हमारी, वो एक एलिगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि जो पोएम है वो एलिगी है या नहीं है। स्ट्रैंड मतलब होता है शोर ऑफ द सी, क्लिफ मतलब माउंटेन, स्ट्रीट, यहाँ पे जो स्ट्रीट वर्ड मेंशन किया गया था उसका मतलब होता है पैसेज ऑफ वाटर, स्प्रे मतलब वेव्स दैट कम ऑन द शोर, बे स्ट्रेच ऑफ वाटर सराउंडिंग द पाथ ऑफ लैंड। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी वर्ड का मतलब ना समझ आया हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो। थैंक यू।